हम क्या पढ़ रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या पढ़ रहे थे बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स रेफर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का जो ग्रुप होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, तो क्या बोलते हैं आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दो कोई भी चीज़, आपको कहा जाए बेटा सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, सब में इक्वल इक्वल बांटना। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसमें वर्ड आते हैं ऑल, बॉथ, हाफ, एवरी, ईच। ठीक है, नीदर, इधर, ये सारे वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, सभी बच्चों को स्कूल आना है। ठीक है, एवरी मतलब क्या होता है, हर एक, प्रत्येक, सभी। एवरी का मतलब क्या होता है, सभी, हर व्यक्ति, हर व्यक्ति। ठीक है, तो हमने ऑल का यूज किया, एवरी का यूज किया। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से बोथ ऑफ यू, जब नाउन आपके पास होता है। ठीक है, और दैट का इसका होता है
नाउनों से दूर होता है। इसी प्रकार से दीज और दोस्त प्लूरल होते हैं, और प्लूरल में जो आपके पास होता है, प्लूरल नाउन जब आपके पास होता है तो क्या होता है, दीज होता है, और जब आपसे दूर होता है तो दोस्त का प्रयोग होता है। उसके बाद में आपको क्या बताया है, न्यूमरल्स बताया। न्यूमरल्स किससे रिलेटेड होता है, नंबर से, जो कि नाउन के नंबर बताते हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। इसके बाद अभी मैंने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या क्या होता है, दिस दैट, हाँ सॉरी सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, बॉथ ऑल ईच एवरी ईदर ईदर, ये सारे, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनेंट्स। क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो अब हमारा केवल दो टॉपिक बचा है, एक तो आपके क्वालिफायर बचा है, ठीक है ना, जिसको हम पढ़ेंगे, एक पजेसिव बचा है, ठीक है। ये दो टॉपिक पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कंपाउंड डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे इसके बाद हम, ठीक है। अभी अपने सिंगल डिटरमिनेंट्स पढ़ा, इसके बाद कंपाउंड डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, प्री डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बेटा इसको ध्यान से पढ़ना और प्रैक्टिस करना, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करके बता देना, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगी। इसके अलावा आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छी मेहनत करें और